जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फोरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सवारी डिब्बा कारखाना यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। कैसे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप देने वाला हूँ। आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन से ही अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे बिना कोई मिस्टेक का। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन लोग इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके लिए मैं एक ऑफिशियल PDF आपको दिखाता हूं और इस PDF का लिंक और इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे या फ्रेंड्स आपको alljobsforyou.com पर भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं अभी उस PDF को दिखाता हूँ। उस PDF का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में और इस पेज का भी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड, जैसे ही ऑफिशियल PDF आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें पूरी जानकारी दे रखी है कौन से पोस्ट के लिए भर्ती आए, कितने टोटल पोस्ट हैं। इसमें टोटल पोस्ट आपको 39 देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई फी आपको नहीं देना होगा। और कौन से पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या इसका आपका एज लिमिट रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ कैसे आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका जो अगला फॉर्म है ओपन होकर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। मेरा नेट तो स्लो है जिसकी वजह से यहाँ पे लेट से ओपन हो रहा है। चलिए, मैं ओपन हो रहा है तो आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए और जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट को आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे 10 पे हैं तो मैं हाउसकीपिंग सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको अपना नाम फिल करना हो, जो भी आपका नाम हो यहाँ पे फिल करेंगे, फादर्स नेम फिल करेंगे या हस्बैंड नेम फिल करेंगे। उसके बाद अपना फुल एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा, जो भी आपका एड्रेस हो यहाँ पर विलेज लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, पुलिस स्टेशन लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिटी, उसके बाद स्टेट, उसके बाद पिन कोड। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे आपको देखने को मिल जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे या फ्रेंड्स आप अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपना यहाँ से अपना डेट ऑफ ईयर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से चलिए मेरा हो गया। और या फिर यहाँ पे क्लिक करके मैं अपना मंथ सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करके मैंने अपना मंथ सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा, ये डेट यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे आपका आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट नंबर जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे, आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे आपको यहाँ पे जेंडर अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या आपका जेंडर है। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे आपको यहाँ पर अपना पहचान आईडी दो सेलेक्ट कर, पहचान चिन्ह दो यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे कट का निशान हो या तिल हो, जो भी हो आप यहाँ पर फिल करेंगे, दो फिल करना होगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा MBBS का है, तो आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे, ये नो रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे और भी आपको देखने को मिल जाएगा, जनरल नर्सिंग, BSc, MSc ये सब है, तो आप यहाँ फिल कीजिए या फ्रेंड्स NA पर रहने दीजिए। NA भी यहाँ पे दे रखा है, NA पर रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका ये जरूरी है मैट्रिक वाला, तो मैट्रिक वाला ओपन होकर आ गया, आपको यस करना जरूरी है, ये मैट्रिक पास है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स ये सब आपको नहीं फिल करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो जो मैंने पोस्ट सेलेक्ट किया ये सब नहीं मांगा जा रहा है, उस पोस्ट में ये मांगा जा रहा है। तो मैट्रिक में यहाँ पे सबसे पहले आपको कितना मार्क्स मिला है वो फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स कितना परसेंट है वो फिल करना होगा, अपना परसेंट टोटल मार्क्स परसेंट में आपको देना होगा। जैसे फ्रेंड्स कितना मार्क्स आपका मिला है यहाँ पर फिल करेंगे, कितना मार्क्स का था टोटल ये भी फिल करना होगा। जैसे मेरा है वो 300 और कितने का था 500 में इतना आता है, तो मैं यहाँ से कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको हॉस्पिटल यहाँ पे वर्क, अगर कहीं काम किए हैं तो वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे। जैसे आपको देखने को मिले कब से कब किए हैं वो लिख पाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे इस डिक्लेरेशन को आपको टिक करके सिंपली प्रोसीड टू रिसीव OTP पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं फटाफट फिल करके ये करता हूँ, आगे फॉर्म दिखाता हूँ कैसे फिल करना है। तो फ्रेंड जैसे मैंने OTP सेंड पर क्लिक किया, मेरा OTP सेंड हो गया। यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं अपना हाइड कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने OTP फिल कर लिया, सिंपली प्रोसीड एंड सेव पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका कुछ देर प्रोसेस होगा, कुछ देर आपको वेट कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए कुछ ऐसा पेज आपको ओपन होकर आ जाएगा, मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा PDF, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो PDF डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। जैसे जो जो आपने डिटेल्स फिल करा था वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इसको हाइड कर लेता हूँ अपने सिक्योरिटी के लिए। फिर जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने इसको हाइड कर लिया है, ऐसे ही आकर अपना फॉर्म फिल करना होगा। चलिए मैं अब एक और ऑप्शन था दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने किसी कारणवश ये अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया, प्रिंट नहीं किया, तो फ्रेंड्स आपको दूसरे वाले स्टेप टू पे क्लिक करना होगा। जैसे आपको क्लिक हेयर टू जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट, तो आप जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से अपना पेमेंट यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, यहाँ से आप अपना प्रिंट कर पाएंगे जो आपका फॉर्म है। अगर किसी कारणवश आप नहीं फिल किए होंगे तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, उसके बाद आधार कार्ड फिल करेंगे, क्लिक टू जनरेट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है ओपन होकर आ जाएगा, आप वहाँ से प्रिंट कर लेंगे। तो ऐसे ही आकर अपना फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आप सभी की रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, या आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे ऑल जॉब्स फॉर यू, मेरा आईडी आ जाएगा।